हे लवली फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ फैशन न्यूज चेतना। एंड आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे उठ के आ गई हूँ, बिल्कुल मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं। सो बेसिकली मेरा प्लान कुछ अलग है। अब से मैं अपनी जो भी वीडियो हैं कोशिश करूँगी कि हॉल के जो भी वीडियो हैं या जो भी अपने कमिंग वीडियो आएंगे मैं एक व्लॉग स्टाइल में शूट करूं। सो मेरा कुछ ऐसा प्लान है, बिकॉज मेरे पास न्यू कैमरा आ गया है जिसमें वायरलेस माइक है, तो मुझे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है और मैं एक ही स्पीड में वीडियो बनाते हुए भी बोर हो चुकी हूं। सो आई थॉट कि कुछ डिफरेंट तरीके से वीडियो बनाते हैं। सो फिलहाल मैं बहुत टाइम बाद वीडियो शूट कर रही हूं, तो मेरे फेशियल हेयर भी अभी रिमूव नहीं है, तो मैं अपनी आईब्रो एंड फेशियल हेयर जो है वो रिमूव कर लेती हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये फ्लॉलेस ट्रिमर, जो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिम कर देता है आईब्रोज़ को। एंड मैं अपनी हेयर ड्राई करने के बाद में, मुझे थोड़ा सा किचन में काम है वो करूँगी, मुझे एक सब्ज़ी बनानी है। मैं अपने हेयर जो है वो ड्राई कर ली है और अपनी फेशियल हेयर भी रिमूव कर ली, आईब्रो भी बना ली है। अब मुझे अपनी किचन का थोड़ा सा काम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे सब्ज़ी बनानी है। मैं आज बनाने वाली हूँ पालक पनीर। मेरे को कोई हाईफाई रेसिपी नहीं आती है, नॉर्मल अपने तरीके से पालक पनीर की सब्जी बनाती हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अब भी। तो सबसे पहले मैंने कुछ गार्लिक, एक ऑनियन और एक हरी मिर्ची जो है वो ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी, और उसके बाद मैं एक कढ़ाई लूंगी। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून अप्रॉक्स घी ऐड किया है, और इसी में मैंने थोड़े से पनीर जो है शैलो फ्राई कर लिए थे। अब मैं यहाँ पे लौंग एंड काली मिर्च का जो पाउडर मैं बना के रखती हूँ उसको गर्म घी में ऐड कर दूंगी। जैसे ही वो अच्छे से तड़का मारता है उसके बाद में मैं इसमें जो गार्लिक का पेस्ट बनाया था मैंने वो इसमें ऐड कर दूंगी। जैसे ही वो पक जाता है उसके बाद में मैंने 2 पुली की जो पालक प्यूरी आती है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसके अंदर मैंने एक टमाटर डाल दिया और मसाले ऐड कर दूंगी, जो भी हल्दी और मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और सॉल्ट होता है वो सब मैं ऐड कर दूंगी। फिर इसको एक ढक्कन लगा के इस प्यूरी को पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब मुझे लगेगा कि अच्छे से पक गई है तब मैं इसके अंदर जो है थोड़े से पनीर ऐड कर दूंगी, और पनीर को थोड़ी सी देर तक वार्म हो जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद मैं ऊपर से हरा पत्ते का जो धनिया आता है कोरिएंडर लीव्स वो ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे हर सब्जी के अंदर धनिया बहुत अच्छा लगता है। और ढक्कन लगा के मैं थोड़ा सा फ्रेग्रेंस को आने दूंगी ताकि खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगे। तो ये मेरी पालक पनीर की सब्जी रेडी हो चुकी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी से मैंने बनाया है। बहुत टाइम बाद अपने वीडियो शूट के लिए रेडी हो चुकी हूँ। ये हो गया है मेरा मेकअप, और अब मेरा जो शूटिंग प्लेस है जहाँ पे मैं करती हूँ अपनी शूटिंग वहाँ पे चलती हूँ और अपना वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। गाइस, सोफ़ा और ट्राइपॉड और बॉटल्स शोपीस की वो सब मुझे लगानी पड़ती है, और अब मैं ताशु को बोलूँगी कि बेटा आप थोड़ा साइलेंट हो जाइए, पापा के साथ रूम में बैठ के मस्ती कीजिए क्योंकि मम्मा को वीडियो शूटिंग करनी है। सो लेट गेट स्टार्टेड गाइस। सो फाइनली गाइज, मैं अपने सेटअप पे बैठ चुकी हूँ, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिरोना के प्रोडक्ट के बारे में है, सो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। सो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सिरोना के ये पैंटी लाइनर्स। सो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि पैंटी लाइनर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पैड्स होते हैं उनका रिप्लेसमेंट होता है। बहुत सारे लोग, जैसे आपको पता होगा कि मैंने थोड़े टाइम पहले मेंस्ट्रुअल कप का एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, सो मैं पीरियड्स में मेंस्ट्रुअल कप ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, 1 और 2 मंथ से स्टार्ट कर दिया है। सो पैंटी लाइनर्स क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल पैकेट के अंदर ये आते हैं इस टाइप से, बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, आप इनको ईजिली जो है अपने पर्स में कैरी कर सकते हो, और ये फुल्ली कॉटन के आते हैं, इस टाइप से ये कॉटन के आते हैं। शेप इनका बिल्कुल पैड की तरह होता है, बहुत स्मॉल साइज़ के होता है, लाइक पूरा एक स्मॉल जो हैंड होता है ना हमारा, उसकी साइज़ का ये होता है, कॉटन का होता है। विंग्स इसके नहीं होते, नॉर्मल आपको अपनी पैंटी पे लगा के इसको रखना होता है। 3 पर्पज़ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट पर्पज़ कि अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो आपका थोड़ा बहुत भी डिस्चार्ज, थोड़ा बहुत भी लीकेज होता है उस कप से, तो आप इस पैंटी लाइनर को यूज़ कर सकते हो। बहुत लाइट वेट होते हैं, बिल्कुल अनकम्फर्टेबल नहीं होता है। सेकेंड जो है इसका यूज़ ये होता है कि बहुत सारी लेडीज़ को या बहुत सारी वुमेंस को या गर्ल्स को वाइट डिस्चार्ज होता है जब उनके पीरियड्स ओवर हो जाते हैं तब, तो आप इस पैंटी लाइनर को यूज़ कर सकते हो। 5 आवर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो कोई भी डिस्चार्ज अगर आपकी पैंटी पे होता है, जैसे आपकी पैंटी में से बैड स्मेल आती है या फिर आपकी पैंटी को ख़राब करता है, तो उसके लिए ये पैंटी लाइनर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत लाइट वेट है। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि ये पीरियड जैसे बिल्कुल भी फील नहीं देता कि मोटा मोटा समथिंग कुछ है, ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ही पतला आता है ये, और कॉटन का होता है, अनकम्फर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। थर्ड ये होता है कि अगर
आप ऐसे पर्सन हो जिनको पीरियड की डेट हमेशा डाउट रहती है कि कब आएंगे और आपको हमेशा डर रहता है कि कभी भी आ जाएंगे, तो आप ऐसा कर सकते हो स्टार्टिंग के जब आपको पता हो कि आपकी डेट मिस हो गई है, नहीं आने वाले हैं या लेट हो रहा है लेकिन आपको फिर भी थोड़ा डर है, जो यूजुअली गर्ल्स होती हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं, तो आप इनको फर्स्ट या सेकंड डे से आपके पीरियड्स आने से पहले आप इनको यूज़ कर सकते हो अगर आपको डर है कि कहीं आ ना जाए पीरियड्स तो। एंड लास्ट के जो बहुत सारी लेडीज़ या वुमेन या गर्ल्स होती है जिनको 7 डेज तक ब्लीडिंग होती है बट 6 और 7 डेज उनको थोड़े से स्पॉट होते हैं, तो उसके लिए भी आप ये पैंटी लाइनर यूज़ कर पैंटी लाइनर्स जो है वो यूज़ कर सकते हो। और थर्ड पर्पस जो मैंने आपको बताया, थर्ड पर्पस उसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनको योगा पैंट पहनने से या स्किन फिट क्लोथ पहनने से जो आपकी वजाइना का शेप बनता है डाउन साइड में उनको थोड़ा शेमफुल लगता है, तो उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पैंटी लाइनर बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा, वो आपकी उस एरिया पे एक अच्छा सा शेप प्रोवाइड करेगा जिससे आपको स्किन फिट क्लोथ पहनने में या योगा के जो टाइट्स आते हैं वो पहनने में शेम बिल्कुल भी फील नहीं होगा, तो ये बहुत ही अच्छा शेप भी प्रोवाइड करता है। इस पर्पस से जो है पैंटी लाइनर यूज करते हैं, तो आपको पर्पस तो पता चल गया होगा कि किस पर्पस के लिए आप जो है इन पैंटी लाइनर्स को यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं आपको सिरोना ब्रांड का सजेस्ट करूंगी क्योंकि ये मैंने ट्राई किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड 5 आवर्स तक, वैसे तो इस पे लिखा हुआ है कि आप इसको 8 आवर्स तक यूज कर सकते हो बट आई सजेस्ट यू कि आप 5 आवर्स में इसको चेंज कर लीजिए, वैसे जरूरत नहीं पड़ती अगर वाइट डिस्चार्ज के लिए एंड मेंस्ट्रुअल कप के लीकेज के लिए आप इसे यूज कर रहे हो तो 5 आवर्स सफिशिएंट है, एक पैंटी लाइनर्स पर डे के लिए सफिशिएंट है। सो यहाँ पे मिलता है 60 पैकेट का, ये 60 सैंपल्स इसके अंदर मिलते हैं, ये पैकेट आता है और इसका प्राइस जो है वो 299 रुपीज़ है, लाइक आपको 300 के अंदर ये 60 पैकेट मिलते हैं। साइज इसमें लार्ज है, सिरोना ब्रांड का है और अदर ब्रांड्स मैंने ट्राई नहीं करे हैं, मैंने सिरोना के ही ट्राई किया एंड मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। सो पैंटी लाइनर्स आप यूज़ कर सकते हो। इसको कहाँ से परचेस करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट या सिरोना की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। बहुत ही कंफर्टेबल है एंड ये कॉटन के आते हैं, बहुत लाइट वेट है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है सिरोना का रिफ्रेशिंग इंटीमेट वॉश। यू नो हमें हमारे इंटीमेट पार्ट्स होते हैं उनको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिकली ये जो इंटीमेट वॉशर है वो आपके इंटीमेट एरिया पे उसको उस पार्ट को गीला करके और इसके 2-3 ड्रॉप लेके इसको क्लीन कर सकते हो। आपको इंटरनल यानी कि आपकी वजाइना के अंदर से इस वॉशर को यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है, मैंने इसको ट्राई किया है। जो इसके अंदर फ्लेवर है उसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसमें और भी फ्लेवर है, ये 100 ml आपको मिलता है 199 रुपीज़ का एंड ये आपके अप्रॉक्स चल जाएगा 6 to 7 मंथ, आई गेस उससे ज़्यादा चल जाएगा बिकॉज इसकी 2 ड्रॉप ही सफिशियंट होती है आपके इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए। ये उन लोगों के लिए भी होता है जिनको ऐसा लगता है कि उनके पीरियड्स चले जाने के बाद उस एरिया में थोड़ी सी स्मेल आती है, या फिर आपको लगता है कि जब भी आपको नॉर्मल डेज में भी आपको स्मेल फील होता है तो आप ये रिफ्रेशिंग वॉशर जो है वो यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। एंड ये जो है एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, इसमें कोई भी टॉक्सिक नहीं है, पैराबिन नहीं है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, सो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करने जा रही हूँ, मैंने यहाँ पे 2 पैकेट लिए हैं, वो है ये सिरोना के फेमिनिन पेन रिलीफ पैच। एक्चुअली ये जो पैचेस आते हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जिनको पीरियड्स के फर्स्ट या सेकंड डे में थोड़े थोड़े क्रैम्प आते हैं। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये पैच उनके लिए नहीं है। जैसे कि नॉर्मल क्रैम्प जो होते हैं वो सब लोगों को आते हैं स्टमक में, हर वुमेन को आते हैं पीरियड्स के फर्स्ट या सेकंड डे या उससे स्टार्ट होने से पहले भी नॉर्मल क्रैम्प जो आते हैं उनके लिए होते हैं। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प आते हैं लाइक आप टैबलेट्स लेते हो तो उन लोगों के लिए ऐसा नहीं है और फिर भी आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो आप अपने डॉक्टर से सजेशन ले सकते हो कि मुझे इतने लेवल का पेन आता है और मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। इसको आप यूज़ कर सकते हो 12 आवर्स के लिए बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये 8 आवर्स तक वर्क करता है एंड नॉर्मल क्रैम्प के लिए, लेकिन जो ऐसे क्रैम्प जो हर वुमेन को आते हैं और जो नॉर्मल होते हैं कि हर को आने ही है पीरियड्स में, उनके लिए एकदम परफेक्ट है ये पैच। 8 आवर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये आपके पेन को रिलीफ करता है एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें जो आता है वो 5 का पैकेट आता है, 5 का जो पैकेट है वो आपके 2 मंथ चल जाता है बिकॉज मेरे को क्या होता है ना कि फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे नॉर्मल क्रैम्प आते हैं। सो मैंने इसको ट्राई किया एक पैच को, फर्स्ट डे मेरे को इतना नहीं लगता है कि मैं कोई पैच ट्राई करूँ बट सेकेंड डे मुझे लगता है क्योंकि मैं पेन किलर लेती हूँ और मैंने इसको सेकंड डे ट्राई किया, 8 आवर्स के बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया, नॉर्मल लगा मुझे अपना डे, कोई ज़्यादा पेन नहीं होता है मुझे इसलिए। सो
एक पीरियड टाइम में आप उसको दो यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट डे नेक्स्ट जब नेक्स्ट मंथ आपका पीरियड आता है तब भी आप उसको दो यूज़ कर सकते हो अगर आपको फर्स्ट एंड सेकेंड डे दोनों डे क्रैम्प आता है तो। और ये आपके दो महीने तक चल सकता है ये पैच का। या आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो और आपको पीरियड्स में क्रैम्प आते हैं तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन आते हैं या आपको इंजेक्शन या पेन किलर जैसी मतलब लेनी पड़ता है हेल्प, पेन किलर या इंजेक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है तो उसमें ये हेल्प नहीं करेगा। नॉर्मल क्रैम्प जो सबको आते हैं उसमें ये हेल्प करेगा। आप इससे इसको लगा कि इजीली आप ऑफिस जा सकते हो, आप कॉलेज जा सकते हो और ये हर गर्ल्स एंड वुमेन इसको यूज़ कर सकती है। सो ये इस टाइप की कुछ स्ट्रैप आती है, बिल्कुल जो बैंडेड होती है ना उस टाइप की आती है। आपको इसको यहाँ से इस टाइप से रिमूव करना है, ये जो स्किन कलर का आता है वो आपको आपके स्टमक पे स्टिक कर लेना है। सो बहुत ही अच्छा एंड बिल्कुल जो आयोडेक्स या पेन रिलीफ की जो लाइक स्प्रे होता है उस टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस आती है। बिल्कुल आप जैसे स्प्रे लगाते हो ना पीरियड्स में स्टमक पे और बैक पे क्रैम्प आता है तो उसी टाइप का ये है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि सिरोना के जो भी प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं आपको कैसे यूज़ करने हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज ये मैंने पहले अपने पर ट्राई किए हैं देन आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको कोई भी क्वेरी हो इन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आता तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, एंड मिलती हो अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड और मुझे ये बताना मत भूलना कि जो मैंने ये व्लॉग स्टाइल से ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है वो आपको कैसा लगा। फर्दर आप इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हो या जो मेरे रेगुलर वीडियो थे लाइक स्टार्टिंग के वैसे ही देखना चाहते हो वो भी मुझे बताना। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो फैशन विद चेतना। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।